दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सीट में एक ऐसी कॉमन समस्या होती है जिससे आपकी मुलाकात कभी ना कभी हुई होगी। ये कॉमन समस्या क्या है, इसे समझने के लिए एक बार हम चलते हैं अपने गूगल सीट में और फिर मैं वहाँ आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा ये गूगल सीट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यदि आपके पास कोई डेटा है और उस डेटा पे यदि आप वर्किंग करते हैं, तो यदि आप गूगल फॉर्म से कोई फॉर्म ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, या फिर आप कोई मैनुअल एंट्री कर रहे हैं और उसमें से आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे सपोज़ ये डेट का कॉलम है और यहाँ पे हो सकता है कुछ आपका एम्प्लॉई नेम है या कुछ भी हो सकता है, और उस डेटा को कहीं आप वर्किंग करके कहीं और दिखाना चाहते हैं, और यदि आप डेट के जो कॉलम है उसमें यदि आप डेट की हर एक वैल्यू को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप डेट को कैप्चर करने के लिए वो मतलब जो आपका रेंज है उस पर आप एरे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे जिस सेल में आप एरे यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो भी डेट पॉपुलेट होता है वो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है और यहाँ पे जो फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे एज ए डेट फॉर्मेट होता है जहाँ पे आप नॉर्मल एंट्री करते हैं, देन यदि आप एरे के थ्रू आप अगर डेट को उठाते हैं तो उसका जो फॉर्मेटिंग होता है वो एज ए नंबर वैल्यू में होता है। और यहाँ पर यदि सपोज़ आप, मैं आप पहले एक एंट्री भी करके दिखाता हूँ आपको। सपोज़ यहाँ 2 लिखता हूँ और यहाँ पे 3rd March और उसके बाद 2022 ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं जैसे ही एंट्री करूँगा तो यहाँ पे देखिए फिर उसकी जो वैल्यू है वो एज ए नंबर में आ जा रहा है। और फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप उसको रेंज को सेलेक्ट करते हैं और देन यहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ पे मोर फॉर्मेट्स के अंदर यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, तब ये देखिए यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ चुका है। सेम इसी तरीके से यदि आप दोबारा एंट्री करेंगे, सपोज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10/3/2022 ऐसा मैंने लिखा, तो यहाँ पे अभी तो देखिए ये डेट फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये हर बार आता ही है। कई बार मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे कि मैं बार बार अगर कोई भी एंट्री करता हूँ और मैं एरे के थ्रू अगर डेटा उठा रहा हूँ तो वहाँ पर ये जो डेट का जो फॉर्मेट है वो ऐसे नहीं आता है, वो बार बार नंबर में आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, उसी उस कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ता है, देन हम वहाँ से फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट के अंदर, और यहाँ पर हमारा गूगल सीट ओपन है और इसमें मैंने अभी जो आपको डेट दिखाया था उसको मैंने नंबर फॉर्मेट में चेंज कर लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी वैल्यूज़ जो हम यहाँ पे डेट वगैरह डालें वो एज़ ए यहाँ पर डेट फॉर्मेट में आना चाहिए। तो उसके लिए हम कोडिंग किस तरीके से करेंगे उसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर, और यहाँ पर हम एक जो होता है फंक्शन क्रिएट करते हैं, और ये फंक्शन हर एक नई वैल्यू यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन हमारा रन होना चाहिए। तो फिर मैं इसको एक स्टैटिकली इसको मैं बना करके रन करके दिखाता हूँ, देन मैं जैसे जैसे एंट्री करूँगा उसके हिसाब से ये डेटा हमारा फॉर्मेट जो होता है चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर फंक्शन लिखा और डेट फॉर्मेट नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पर हमने लिखा डेट फॉर्मेट, और यहाँ पर फिर हमने इसको जो होता है ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया, देन यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट को ओपन किया, देन यहाँ पे सबसे पहले आपको स्प्रेडशीट के साथ काम करना है तो सबसे पहले अपने स्प्रेडशीट को हम एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, और यहाँ पर डॉट गेट सीट बाय नेम, और मैं डायरेक्टली गॉट स्प्रेडशीट, एक्चुअल में यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन और क्लोज नहीं किया है, तो गेट सीट बाय नेम मेथड का जो ये ऑप्शन है ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली ये जो अगर सीट आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए सीट 6 है, तो सीट 6 में अगर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सीट 6, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सीट जो 6 है यहाँ पर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये हमारा सीट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद हमें आपको यहाँ पर करना क्या है कि सीट के बाद हमें उस रेंज को फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमारा डेट की फॉर्मेटिंग करनी है। तो हमारा जो डेट का जो जिसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी है वो है हमारा ई वाला कॉलम जिसमें हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है E4 से। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेट, मान लीजिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ और ये मैं कहता हूँ सीट रेंज नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हमने लिखा ss.getRange, और गेट रेंज में हमारा E4 से डेटा स्टार्ट है और मैं चाहता हूँ कि इसको
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रख लूँ, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन दे देता हूँ और यहाँ पे ई लगा देता हूँ। कॉलन लगाने के बाद ई कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं डॉट लगाऊंगा तो इसके बाद भी कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेट नंबर फॉर्मेट का। सेट नंबर फॉर्मेट में आपको जाना है और यहाँ पे आपको जो होता है किस तरीके का फॉर्मेटिंग चाहिए वो आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मुझे चाहिए वाई वाई एम एम और डी डी के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे मैं सपोज डाल देता हूँ वाई वाई और एम एम और यहाँ पे देन डी डी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाला और ये सिर्फ दो लाइन के कोड से ही हमारा काम हो जाएगा। और मैं इसको कर देता हूँ सेव, और मैं यहाँ से जो हमारा डेट फॉर्मेट का जो ये फंक्शन है ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। तो मैं अभी अपने चलूँ पहले अपने थीट की डेटा को देखता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में है, और मैं इसको रन करता हूँ एक बार और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। और ये देखिए वाई वाई एम एम और डी डी के फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ पर मैंने जो एरे का फॉर्मूला लगाया था वो भी यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह मेरा कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, केवल इसकी फॉर्मेटिक चेंज हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करूँ वो सारा एंट्री जो होता है यहाँ पर आती रहे और उसका जो फॉर्मेट है वो भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये डेट फॉर्मेट है उसके हम जो होते हैं यहाँ पे एक ट्रिगर इसका सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑन चेंज या ऑन एडिट पे आप यहाँ पे रख सकते हैं इसका इस ट्रिगर को। यहाँ पे ऐड ट्रिगर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो भी फंक्शंस होंगे हमारे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है डेट फॉर्मेट, और यहाँ पे फ्रॉम स्प्रेडशीट ऑप्शंस हैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आना है और इवेंट टाइप है, और यहाँ पे आपको ले लेना है ऑन चेंज या फिर ऑन एडिट भी रख लेता हूँ मैं। ऑन एडिट पे कर लिया और मैं करता हूँ उसको सेव। बेसिकली यहाँ पे हम वापस से चलते हैं और यहाँ पे मैं डालता हूँ 11 और यहाँ पे 3 और सपोज 2022 या 20 के 22 यहाँ पे कर देता हूँ और इंटर दबाता हूँ। तो देखिए वही वाई वाई एम एम और डी डी के फॉर्मेट में ही हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर आपको कोई समस्या आती है डेट की फॉर्मेटिंग वगैरह में, ज़्यादातर आपको कभी इस स्प्रेडशीट के अंदर ये प्रॉब्लम अक्सर मैं इसको फेस किया हूँ, तो इसका यही सलूशन है। आप सिंपली ये कोड लिख करके इस चीज़ को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जो होता है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी आने वाले समय में मैं आपको और भी काफ़ी एडवांस जो होता है चीज़ें लेकर के आऊँगा, जैसे वेब ऐप, और इसके अंदर अगर आपको और भी हाई लेवल की जो भी प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो भी आपको इस मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊं, तो मैंने कभी वेब ऐप क्रिएट किया हुआ था, मैं अपने चलता हूँ सीट के अंदर और एक मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको एक वेब ऐप मैंने बनाया है, और ये बेसिकली इसका काम है डिलीट सीट ऐप करके मैंने यहाँ पे वेब ऐप बनाया था, और ये देखिए किस तरीके से काम कर रहा है डिलीट। और यहाँ देखिए डिलीट सीट नाम से एक मैंने ऐप बनाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे आपको चलेंगे तो और ये देखिए काम किस तरीके से करता है। और भी कई सारे मैंने वेब ऐप जो होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने बनाया है, और ये आने वाले टाइम में मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए उसको जो होता है पूरा यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नए जो भी नया वीडियोस लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक यूआई क्रिएट किया हुआ है डिलीट सीट नाम से, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये देखिए मेन्यू आता है सीट नाम से, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पर एक साइड बार ओपन हो जाएगा, और हमारे सीट के अंदर जितने भी सीट हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख रहे एक सीट नेम है मनीषा, यहाँ पर कई सारे सीट्स हैं, और यहाँ पर ये देखिए सारे सीट जितने भी हमारे सीट के अंदर वर्कशीट के अंदर जितने भी टैब हैं वो सारा जो था यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ बाहर मैं यदि सीट को कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता और डायरेक्टली मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो देखिए प्लीज़ सेलेक्ट एनी चेकबॉक्स, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी चेकबॉक्स को आप जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये डिलीट बटन काम नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक बार मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये सारे जो होता है यहाँ पर चेकबॉक्स पर ये टिक हो जाएगा, और जिसको आप अनचेक करना चाहते हैं उसको आप अनचेक कर सकते हैं। और देन आप यदि आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, जैसे सपोज सीट 25 यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो यहाँ पर ये जो डिलीट है यहाँ पे देखिए सीट 25 भी यहाँ से गायब हो चुका है, और हमारे जो डेटा में जो ये ऐप मैंने बनाया है
उस ऐप से भी ये हट चुका है। तो इस तरीके का और भी काफ़ी हमने एडवांस जो होता है ऐप, वेब ऐप जो होता है क्रिएट किया हुआ है, और आने वाले समय में ये मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मैं आपको किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।